जय हिंद मेरे दोस्त। अगर आप एसएससी सीपीओ के फॉर्म डेट हो या सिलेबस हो या सिलेक्शन प्रोसेस हो या फिजिकल आपका सिलेबस क्या है, हर चीज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मित्रों, मैं हूं राजेश और आपको इस वीडियो में पूरी चीज बताएंगे कि एसएससी सीपीओ के बारे में जो भी आपकी अंतर है। देखिए, आप 58 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आप हो सकता है सब चीजों को समझ पाओ ना समझ पाओ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो 7 से 8 मिनट का होगा तो इसमें मैं आपको टोटली बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है, हर चीज आपको बताएंगे। तो मित्रों, जैसा कि नजर दिया, मैं आपको कंपनी एग्जाम से संबंधित हर इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिलते रहते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म है वो कब से कब भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी हो, सिलेबस हो, फिजिकल कैसे होगा, हर चीज बताएंगे। बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए और मेरा क्या है, मेरे साथ जो मैं कहूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए बिना किसी डिस्कशन के। अगर किसी कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसे अभी थोड़ा 7 से 8 मिनट के लिए रोक दीजिए और आप लगातार बने रहिए, क्योंकि ये पेपर है या एग्जाम है। अगर आपको पैटर्न अच्छे से पता होगा तब आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। देखिए, जो आपका फॉर्म भरने का आप देख लीजिए वो 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक है, एक दिन और आपको इस टाइम मिलता है, यानी 29 तक आप फीस डिपॉजिट कर पाओगे। एग्जाम डेट आप यहां पर देख सकते हो, एसएससी के कैलेंडर के अनुसार आपका एग्जाम मई में होना था, ये देख लीजिए 9, 10 और 13 मई को आपका जो एग्जाम होगा ये CBT 1 है ना, ये होगा। अब बात करते हैं जैसे CBT 1 CBT 2 क्या क्या होगा, हर चीज समझेंगे। उसके पहले बता दूं, आपके एसएससी के कैलेंडर में ही आपके कम से कम 12 पोस्ट के बारे में, जो कम से कम 7 पोस्ट तो ऐसे जैसे एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएसएसएल हो, इन सब के बारे में जानना है तो प्लीज मेरे मित्र उस वीडियो को जाकर देखिएगा या कैलेंडर वाला वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या सर्च कर लीजिएगा। एसएससी एमटीएस के बारे में मैंने फुल डिटेल बताया हुआ है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, है ना, हवलदार के बारे में जो भी चीज होता है। अच्छा, रेलवे में भी आपकी वैकेंसी है, आरपीएफ की है, तो ये सब जाकर टेक्नीशियन की जाकर जरूर आप देखिएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए कुछ चीज मांगी जाती है, जैसे आपका एज मांगा जाता है, तो एज आपकी होनी चाहिए 20 से लेकर होनी चाहिए 25 साल, कितना होना चाहिए 20 से लेकर 25 साल होना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपका एज काउंट होगा वो 1/8/2024 से क्या होगा काउंट होगा। अच्छा, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेकंड मांगा जाता है तो ये भी 1/8/2024 तक क्या आप ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, यानी आपके पास बैचलर डिग्री का जो मार्क्स है वो अवेलेबल होना चाहिए, डिग्री हो ना हो, यानी अगर आप अपियरिंग में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1/8/2024 तक आपके पास डिग्री होना चाहिए, उसके बाद में होगा तो आप क्या है इससे बाहर हो जाओगे। साफ साफ शब्दों में मेरे मित्र यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट वगैरह हर चीज यहाँ पर अच्छे से देखिए तो लिखा हुआ है, कट ऑफ ऑफ 1/8/2024 तक क्या है आप हो जाना चाहिए, ये चीज बेसिक। अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या मांगा जाएगा, LMB भी मांगा जाता है, यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिसे DL के नाम से जानते हैं वो भी मांगा जाएगा। देखिए, साफ शब्दों में यहाँ पर देखिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ मांगा जाएगा। अच्छा, ओनली मेल, क्या है ओनली मेल, और मेल में उसके लिए मांगा जाएगा जो क्या है दिल्ली पुलिस में SI बनना चाहते हैं, यानी कि DP दिल्ली पुलिस में SI बनना चाहते हैं, बाकी जितने आपके आर्म फोर्स है उसके लिए क्या कोई नहीं मांगा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका नोटिफिकेशन कह रहा है। यहां पर आप देखिए, है ना, LMB एलिजिबल पोस्ट सब इंस्पेक्टर CF ओनली, है ना, तो अगर आप इसके लिए करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, अगर आप SI बनना चाहते हैं तो उसके लिए LMB मांगा जाएगा, बाकी आप BSF हो, CISF हो, वो आगे आप समझेंगे, तो उसके लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा। और फीमेल किसी भी पोस्ट में जाना चाहते हो तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, लेकिन मेल दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। और ये LMB होना चाहिए, LMB का मतलब आप समझते हैं ना, दो पहिया, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि 2 पहिया + 4 पहिया का होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये लर्निंग नहीं परमानेंट होना चाहिए। अच्छा, कब मांगा जाएगा ये भी समझ लेते हैं, तो ये जब आपका फिजिकल होगा, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी मांगा जाता है, तो बनवा लोगे तो नुकसान तो होगा नहीं, आपके डेली उसे काम आता है, आपका ID में काम आता है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन बनवाना तो पड़ेगा। फिर बात करते हैं मेरे दोस्त कि जो आपका जो आप सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है ना, तो देखिए पेपर आपका फर्स्ट होगा, फिर देखिए आपका पेपर, उसके बाद में आपका क्या होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे फिजिकल के नाम से जानते हैं, तो पेपर आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, मैं यहां पर लिख दूं PST, है ना, फिर क्या होगा आपका पेपर सेकंड होगा, फिर आपका DB होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग वगैरह चलने लगेगी। तो ये चीज आपका रहा, है ना, तो आपका पहले पेपर 1, फिर फिजिकल, फिर पेपर सेकंड, है ना, CBT 2, ये चीज आप रहा। अब बात करते हैं आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। देखिए, मैंने बताया ये CBT 1 का सिलेबस पहले आप अच्छे से देख लीजिए मेरे दोस्त,
इसमें क्या होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और 50-50 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के यानी कि टोटल के टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। 120 मिनट आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, समय मिलने वाला है। पेपर सेकंड के बारे में बात करें, अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो प्लीज मेरे में वीडियो को आप क्या करिए पॉज कर लीजिए और आसानी से क्या है रोक कर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे फुल वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ पर डाल दूंगा तो वहां से भी आप कर पाओगे। देखिए जो आपका पेपर सेकंड होगा उसमें सिर्फ ओनली इंग्लिश पूछा जाएगा, यानी आपको इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना है अगर आप सीबीटी सेकंड में अच्छे से मार्क्स करना चाहते हो, फाइनल मेरिट में जाना चाहते हो। आपका जो फाइनल मेरिट बनी है वो सीबीटी 1 है सीबीटी सेकंड को मिलाकर बनेगी। देखिए जो आपका है यहां पर अच्छे से देखिए मेरे मित्र, यहां पर देखिए जो आपका 200 क्वेश्चन है, नंबर आप क्वेश्चन कितने रहेंगे 200 रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स जो क्या रहेगा 200 रहेगा और 2 घंटा समय आपको मिलेगा, यानी 200-200-400 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और 400 नंबर का होगा, 2-4 घंटे का समय होगा, दोनों सीबीटी को मिला लोगे तो बहुत अच्छी चीज आपको यहां पर ध्यान देना होगा। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग अगर आप जानना नहीं जानते तो देख लीजिए, इसमें निगेटिव मार्किंग पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विल बी निगेटिव मार्किंग कितना है 0.25 यानी 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है। पेपर चाहे फर्स्ट हो, चाहे आपका फर्स्ट हो, चाहे आपका क्या हो मेरे दोस्त सेकंड हो, तीनों के लिए क्या है निगेटिव मार्किंग प्रोसेस जो है आपकी रखी गई है। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है निगेटिव मार्किंग की जो प्रोसेस है वो रखी गई है। यही चीज अगर आप एनसीसी किए हैं, अगर आप एनसीसी किए हैं तो देख लीजिए एनसीसी के लिए आप अगर सी हैं तो 10 नंबर, अगर बी किए हैं तो 6 नंबर, अन्यथा क्या है अगर आप ये किए हैं तो 4 नंबर। ये बहुत अच्छा परसेंटेज इसमें देखने, देखिए अगर आप सिलेबस अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो ज्यादा लंबा वीडियो होगा, इसीलिए क्या करिए आप वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको क्या है चीजें मिल जाएंगी। ऐसे करके एक सिलेबस, ये आपका जीके का सिलेबस है एंड ये आपका क्या है मैथ का सिलेबस, इसकी साइड ले लीजिएगा, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, और ये पेपर सेकंड का क्या है आपका इंग्लिश का सिलेबस ये आपका, तो प्लीज इसकी साइड ले लीजिए और तैयारी करते रहिए। इससे कहीं नोट कर आप अपने बोर्ड के सामने अपने जहां पर स्टडी आप करते हो वहीं पर लगा दीजिए। ठीक है, फिजिकल के बारे में बात करें, इसमें जो फिजिकल होगा वो देखिए इसमें गर्ल्स का क्या होगा वेट, हालांकि दोनों लोग का होगा मेल एंड फीमेल दोनों लोग का वेट मेजरमेंट होगा, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनकी हाइट भी चेक की जाएगी एंड उनका चेस्ट चेक किया जाएगा 80 से 85, नब नॉर्मल है तो 80 होना चाहिए, जब आप फुला हो तो 85 होना चाहिए, यदि 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए एक्सपेंड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे हिल्स वगैरह से हैं तो आप देख लीजिएगा, बाकी अगर आप एससी एंड एसटी से हैं, देखिए ये ओबीसी के लिए 170 मांगा जाएगा, कितना मांगा जाएगा मेरे मित्र 170 है ना, ये ओबीसी के लिए जनरल के लिए 170 मांगा जाएगा। अगर आप एससी एंड एसटी से हैं मेरे दोस्त तो आप यहां पर देख लीजिएगा, एसटी के लिए यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है 162, फीमेल से हैं तो 157 होना चाहिए है ना। और देखिए जिसमें जो वेट मेजरमेंट भी किया जाएगा हाइट के अनुसार, तो गूगल पर आप सर्च करके अगर आपकी हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, वैसे तो कम से कम लड़कियों की 45+ तो आपकी वेट होना चाहिए क्योंकि लड़कियों का वेट किसी किसी का कम होता है ना, अगर हम बात करें एवरेज में। देखिए अब बात करते हैं मेरे दोस्त आपका जो फिजिकल इफिशियंसी यानी आपकी दौड़ भी होगी, उसमें तो आपका मेजर होगा हाइट वगैरह चेस्ट होगा, लेकिन इसमें आपकी क्या होगी दौड़ भी होगी। दौड़ इसमें दो होती है, एक 100 मीटर की होती है, एक 1600 मीटर की होती है। 100 मीटर के लिए 16 सेकंड मिलता है समय मेल के लिए, यहां पर देखिए मेल के लिए है, फिर क्या है 1.6 किलोमीटर यानी 6.5 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन लॉन्ग जंप है ना, ये लॉन्ग जंप आपको मिलेगा यानी आपको लंबी दूरी तय करना पड़ेगा, ये इतना आपको छलांग लगाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, ये क्या है 3 चांस इसमें मिलेगा आपको, और दौड़ में कोई चांस नहीं मिलता है, एक बार ही आपको चांस मिलता है। एंड फिर क्या आपको हाई जंप यानी लगभग में हाई जंप जो आपकी रहने वाली है वो 3 फुट 9 इंच रहने वाली है, और जो आपकी लॉन्ग जंप रहेगी वो अप्रॉक्स जो होगी वो 12 से 14 फुट होगी। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कहूँगा तो फिजिकल के बारे में अच्छे से बता दूंगा। शॉर्ट पुट इसमें गोला फेंक भी होता है, ये भी आपको फेंकना पड़ेगा। फीमेल का आप जो आप फीमेल है तो आप देख लीजिए 100 मीटर 18 सेकंड, 1800 मीटर 4 मिनट, लॉन्ग जंप हाई जंप ये आपका रहा है ना, वीडियो रोक कर आप जरूर देखिएगा। देखिए शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, मैंने बता दिया था कि फीमेल का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, तो मैंने इसीलिए इसकी शॉट भी ले ली है कि आपको दिखा सकें। ये जो भी स्क्रीन शॉट आप देख रहे हो ये 2024 के नोटिफिकेशन से ये ही निकाला गया है, तो आप इस डाउट में कभी मत रहिएगा। देखिए मेरे मित्र अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ये सब में जाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो है ना, और आप क्या है आप जा सकते हो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, कुछ आपके आर्म फोर्स हैं इनके लिए कुछ कोड दिए, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कुछ कोड दिए हुए हैं, जैसे बात सब इंस्पेक्टर के लिए ये, जैसे आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा,
तो आपको ये डालोगे तो आपको दिल्ली पुलिस मिलेगा। गलती से आप बी डाल दिए और आपका मार्क्स अच्छा था, आप दिल्ली पुलिस पा सकते थे, लेकिन आपने बी डाल दिया तो आप बीएसएफ में चले जाओगे ना कि दिल्ली पुलिस में। तो ये आपके आपके क्या कहते हैं ना कि आपके फ्यूचर का कहीं ना कहीं ये एक मोड़ हो सकता है। ऐसे करके आप यहाँ पर देख ले, सी किसके लिए है तो सीआईएसएफ के लिए सी है, एंड सीआरपीएफ के लिए डी है, इंडो तिब्बत के लिए ई है, और ये क्या है एसएसबी के लिए, क्या सशस्त्र सीमा बल के लिए क्या है एफ है। ये आपका पोस्ट परफॉर्मेंस आप जरूर दीजिएगा। अच्छा, जो एनसीसी पोस्ट है उनके लिए क्या है, इसमें बहुत डिस्कशन है यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्लीज मेरे दोस्त, क्या है आपका जो नंबर होगा वो फाइनल सिलेक्शन में भी जुड़ेगा। एसएससी वाले जो कैंडिडेट है, एनसीसी वाले जो कैंडिडेट है, उनका मार्क्स फाइनल मेरिट में भी जुड़ेगा। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो जरूर भरिएगा, अगर नहीं है तो गलती से मत डालिएगा, नहीं तो आप होते हुए भी बाहर हो जाओगे। एग्जामिनेशन फीस आपकी 100 रुपए लगती है। ये क्या है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ओनली मेल। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, मेल है फीमेल है, तो आपकी फीस 0 लगेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल से हैं, मेल है, तो आपको 100 रुपए आपको लेकर जाना है और कैफे वाले को फीस देकर भरवा देना है। देखिए बेसिक डिटेल्स, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे बेसिक चीज मांगा, आधार कार्ड हो गया, ये सब चीज आपसे मांगा जाएगा, फोटो सिग्नेचर आपका, पता वगैरह यहाँ पर मांगा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज है, यहाँ पर जब आप पास चूज करोगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो स्टेटस आपसे मांगेगा। तो जब आप पास चूज करोगे तो आपके यूनिवर्सिटी संबंधित डिटेल मांगेगा, पासिंग ईयर हो, रोल नंबर हो, विद्यालय का नेम हो, ये सब चीज मांगा। लेकिन जब आप अपीयरिंग चूज करोगे तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन आपका जो डिग्री है वो क्या है 1/8/2024 तक क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे दोस्त, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे। देखिए अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए, है ना, और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा अगर तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेंगे तो फॉर्म आपको भरना चाहिए, है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है एक चार, तो आप रिस्क ले सकते हो, फिर भी आप अपने अनुसार आप किसी भी आप पूछ सकते हो, या अगर आपकी कोई सिचुएशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उस पर क्या है लगभग में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। आपको जब जुड़ना है तो ऑनर राजेश मौर्य देखकर ही जुड़ना, नहीं तो बहुत सारे लोग फर्जी चैनल बनाए हुए, तो जाकर देखिएगा। और कंपटीटिव एग्जाम से संबंधित आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि जैसे नेट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए, और ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।